चलो 182 तक तो कर लिए थे, 183 से कंटिन्यू करते हैं। अर्थ विदाउट रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इन टू, अर्थ में अगर रोटेशन ना हो, रोटेशन का मतलब अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना ही होगा क्योंकि अर्थ सन के अबाउट तो रिवॉल्व करती है, अर्थ के अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होते हैं। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो डे और नाइट का अकरेंस नहीं होगा। सनराइज और सनसेट तो तब भी होगा क्योंकि अर्थ सन के अबाउट घूम ही रही है और सन के अबाउट रिवॉल्व करते करते डे और नाइट होंगे होंगे। ओनली वन सीजन, सीजन तो भाई होंगे क्योंकि सन पास आता रहता रहता है। नो सनराइज एंड सनसेट, अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन एवरी 24 आवर्स, सही है। अर्थ रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी सही है। रिवोल्यूशन सन के अबाउट होता है, 365 डेज में होता है। और जो अर्थ सन के अबाउट घूमती है उसकी वजह से एंगल चेंज होते हैं, ट्रॉपिक कैंसर कैप्रिकॉर्न ये सब टिल्टेड तो ही। तो दिस चेंजिंग एंगल प्रोवाइड डिफरेंट सन इंटेंसिटी और 4 डिफरेंट सीजन जो मिलते हैं वो अर्थ के सन के अबाउट घूमने से मिलते हैं। सीजन छोड़ दो 3, बाकी अगर अर्थ रोटेट नहीं करेगी तो अर्थ का वही हिस्सा सामने बना रहेगा, तो नाइट कहाँ से आएगी? तो डे नाइट नहीं होंगे और सनराइज सनसेट भी नहीं होगा, डी 1 एंड 2 ओनली। बाकी सीजन जो है वो अर्थ के सन के अबाउट घूमने से आते हैं। ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून आ जाता है अर्थ और सन के बीच में। मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर आई थिंक, और डिस्टेंस पे भी करेगा, जितना पास में होगा उतना ज्यादा ब्राइट दिखेगा। साइज पे भी करेगा, तो साइज टेम्परेचर ब्राइटनेस तीनों पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर करेक्ट? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सोलस्टिस और इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स जब इक्वेटर पे आ जाता है और सोलस्टिस जब ट्रॉपिक्स पे आ जाता है। तो इक्विनॉक्स आता है मार्च 21, सितंबर 23, ये दोनों तो सही है। समर सोलस्टिस दिसंबर 22, ये तो बिल्कुल गलत है। समर सोलस्टिस आना चाहिए कभी जो है वो मई है क्या आसपास। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बी 1 एंड 3, इक्विनॉक्स दोनों सही है। समर सोलस्टिस गड़बड़ है, विंटर सोलस्टिस जून 21 ये भी गड़बड़ है। ये लगता है समर विंटर की उल्टा कर रखा है। अकॉर्डिंग टू जियो साइंटिस्ट द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड, परफेक्टली राउंड तो नहीं है, सर्कल नहीं है, ऑब्लेट इलिप्सॉइड होना चाहिए चौथा। हाँ 187 का 4, सिंपलेस्ट मॉडल फॉर द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेयर, बट जो एक्चुअल है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है। इलिप्स को घुमा दे तो इलिप्सॉइड, तो वो ऑब्लेट स्फेरॉइड कहलाता है। समर एंड विंटर सीजन इन एनी ईयर आर कॉज्ड बाई, समर और विंटर सीजन अर्थ के रिवोल्यूशन, वो भी इंक्लाइन एक्सिस पे रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। अर्थ जब सन के अबाउट इंक्लाइन एक्सिस पे रिवॉल्व करता है तो अर्थ रोटेटिंग अबाउट सन, रोटेटिंग, चलो अर्थ रोटेशन और उसका सीजन से क्या कनेक्शन है? ये देखिए सन के अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है और ऐसे घूमे हुए 23 डिग्री एंड हाफ का टिल्ट है, तो बराबर आएगा मार्च और सितंबर में इक्विनॉक्स होंगे, जून और दिसंबर में सोलस्टिस होंगे, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इधर जून में समर वाला सोलस्टिस होगा, दिसंबर में विंटर वाला सोलस्टिस होगा। और बाकी अगर हम उसकी बात करें सदर्न हेमिस्फीयर की, तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ मुझे स्टोर करनी चाहिए कहीं ना कहीं, क्लाइमेटोलॉजी में ही कर लेते हैं। जी मैंने उठाया ये फिगर इक्विनॉक्स और सोलस्टिस का, यहाँ स्टोर कर लिया। अच्छा और क्या है?
वर्नल इक्विनॉक्स, ऑटम्नल इक्विनॉक्स, समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस। समर सोलस्टिस 22 जून, विंटर सोलस्टिस 22 दिसंबर, ऑटम्नल इक्विनॉक्स 23 सितंबर, वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च। तो वर्नल इक्विनॉक्स से स्टार्ट होती है कहानी, वर्नल इक्विनॉक्स से समर सोलस्टिस, देन ऑटम्नल इक्विनॉक्स, देन विंटर सोलस्टिस, और इस टाइप से टेढ़े टेढ़े होता है। तो वही जो सीजन्स हैं, स्प्रिंग मार्च में, समर फिर ऑटम फिर विंटर। स्प्रिंग समर ऑटम विंटर सीजन्स इसी वजह से तो होते हैं। जब मार्च इक्विनॉक्स आता होगा तो स्प्रिंग है, फिर जून में जो सोलस्टिस होता है उसमें समर है, फिर जो सितंबर में इक्विनॉक्स होता है वो ऑटम है, फिर जो दिसंबर में सोलस्टिस होता है वो विंटर है। तो स्प्रिंग समर ऑटम विंटर। अगले पे आते हैं, डोल्ड्रम्स इज ए कॉम बेल्ट बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। डोल्ड्रम तो कल भी किया था, डोल्ड्रम मतलब इक्वेटर के अगल बगल की बेल्ट जहां पे बिल्कुल हवा शांत रहती है। भाई हवा विंड में डिफ्लेक्शन कोरियालिस फोर्स तो है ही नहीं वहां पे, और सन रेज लो प्रेशर जोन भी होता है। सन रेज स्ट्राइक ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है, पर डोल्ड्रम काम बेल्ट है, इसका सनरेज से कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी होना चाहिए। डोल्ड्रम इज ए जोन ऑफ लाइट काम विंड्स, नॉर्दर्न लेटिट्यूड, इक्वेटोरियल लेटिट्यूड, ओशंस में ज्यादातर। सही है, 12 आवर डे 12 आवर नाइट। व्हाट वुड बी द डेट एंड लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस लोकेटेड एट 88 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड व्हेन द लोकल टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज 19 आवर्स ऑफ 28 फरवरी। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 28 फरवरी है और शाम के 7 बजे है, और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, यानी कि ग्रीनविच लंदन में। लंदन में 28 फरवरी है और शाम के 7 बजे है। अब एक जगह है जो 28 साढ़े 28 डिग्री ईस्ट है, 88 एंड हाफ, तो आई थिंक 15 डिग्री होता है 1 घंटा, 15 डिग्री 1 घंटा, 15 डिग्री 1 घंटा, 12 घंटे हो जाएंगे, 15 12 180। सही, तो 15 और 88, 88, 15 छक्के 90, 6 घंटे, करीब 6 घंटे का गैप है। एग्जैक्टली 6 घंटे रहा भी हो, 15 चौको 60, 15 पने 75, 5.5 से 6 घंटे का डिफरेंस है। ईस्ट है तो 6 घंटे जोड़ दो, 1906, तो 7 5 12 और फिर एक 1 मार्च 12 बजे के बाद, करीब 1 बजे के करीब। तो ये बी ऑप्शन सही है, 00:54, 1 बजने वाली और 1 मार्च आ गया है। सही, 6 घंटे का डिफरेंस है। सही, अगला क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ स्टार्स अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न इज कॉल्ड कंस्टेलेशन, जैसे अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, सप्तऋषि मंडल जिसको बोलते हैं, बियर का भी कुछ बोलते हैं, और कंस्टेलेशन इज ग्रुप ऑफ स्टार। विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन विद सन एट वन ऑफ द फोकस। केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे अरे, कैपलेस थर्ड लॉ है। कैपलेस सेकंड लॉ क्या है? एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कांस्टेंट, परिजी पे स्पीड ज्यादा होती है, परिजी पे स्पीड कम होती है, वो कैपलेस सेकंड लॉ है। कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट, 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, सेल्ड एनिमल, फर्स्ट
फर्स्ट मैमल्स। देखिए सबसे पहले जो होगा करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो होगा सेल्ड एनिमल। सेल्ड एनिमल का मतलब होता है जिनकी सेल होती है, जैसे कि आई थिंक जो कछुए बोल सकते हैं, टॉर्टॉइज और टर्टल बोल सकते हैं, सेल्ड एनिमल। सेल्ड एनिमल पे देखिए ये आ रहा है टर्टॉइज या टर्टल टाइप की कोई चीज है, स्नेल्स आ रहे हैं। ये क्या है, ये तो पेंगोलिन है। पेंगोलिन टर्टॉइज स्नेल पेंगोलिन टर्टल। ये जो है सेल एनिमल सबसे पहले आए, फिर इन सेल एनिमल से रेप्टाइल्स आ गए। इन सेल एनिमल्स को जरूरत पड़ी, भाई ये बहुत स्लो थे, मारे जाएंगे तो दौड़ो भाई दौड़ो, रेप्टाइल्स आ जाओ। रेप्टाइल्स में आ गए आपके क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, गीको, चमेलियन, टोटाइजो टर्टल भी डाल रखे, स्किंक। तो ये रेप्टाइल्स आए, सेल्ड एनिमल से रेप्टाइल्स आए। देन आए इंसेक्ट्स, भाई ये भी उड़ तो सकते नहीं थे तो इंसेक्ट्स आ गए। इंसेक्ट्स उड़ सकते थे तो उनको और ज्यादा बढ़िया हो गया बच के निकलने के लिए। इंसेक्ट्स में कैट फ्ली, थ्रिप्स, एंट, एंट तो नहीं सकती, ईयरविक, स्टोन फ्लाई, क्रिकेट, ड्रैगन फ्लाई, बीटल, बटरफ्लाई, मॉस्किटो। देन मैमल। मैमल तो भाई डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है। क्या खुल गया, मैमल्स डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज है, जिसमें एस, बैट, बियर, बीवर, कैट, चिंपांजी, काऊ, कोयते, डियर, डॉल्फिन, एलिफेंट, पांडा, ये सारे आ जाएंगे। तो करेक्ट ऑर्डर है सी। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, नल्लमल्ला। आई थिंक नीलगिरी, कार्डमम, अन्नामलाई, नल्लमल्ला, नीलगिरी तमिलनाडु ऊटी पे, ये तो नहीं होगी। अन्नामलाई हो सकती, कार्डमम केला में, नल्लमल्ला आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश वाला नल्लमल्ला हटा दो, नीलगिरी हटा दो, नीलगिरी तो ऊपर है। बच्चा अन्नामलाई और कार्डमम में है, इनके हिसाब से कार्डमम है। मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे अन्नामलाई और कार्डमम में शक हो रहा है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। अन्नामलाई और कार्डमम अभी दिख जाएगा, भाई कार्डमम ही नीचे है, सही बोल रहे थे, अन्नामलाई ऊपर है, पालनी ऊपर है, कार्डमम नीचे है। अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम, ये ऑर्डर है, इसको तो सेव करना पड़ेगा भाई। स्टॉप में जाएंगे, जीएस में जाएंगे, इंडियन स्टेट्स में जाएंगे, केरला में जाएंगे और ये सेव कर लेंगे। अन्नामलाई, पालनी, कार्डमम, कार्डमम मिलता है यहाँ पे, इलायची, नीलगिरी ऊपर है अच्छा खासा, नीलगिरी अच्छा खासा ऊपर है, कार्डमम नीचे है, इसमें बने हुए हैं। नलमल्ला आंध्र प्रदेश में अच्छा खासा ऊपर है भाई। अन्नामलाई, अनाईमुडी, कार्डमम, कार्डमम इनफेक्ट सदर्न मोस्ट हिल है सारे हिल्स में, सबसे नीचे कोई बोला जाए तो कार्डमम है, ये आशीर्वाद याद रखना पड़ेगा। इंडिया में सारे हिल्स में अगर कोई सबसे नीचे है तो वो कार्डमम है।
माउंट आबू राजस्थान, अरावली राजस्थान, विंध्यास गुजरात, सातपुड़ा गुजरात से स्टार्ट होते हैं, विंध्यास भी गुजरात से स्टार्ट हो जाते हैं, हरिश्चंद्र रेंज महाराष्ट्र, शेषाचलम, नीलगिरी, डोडा बेट्टा, अनाईमलाई, अनाईमुडी, काडमम, तमिलनाडु साइड ओरछनाड, पालनी हिल्स, सिरुमिली हिल, पंचाईमलाई, सेवराय, जवादी, नागारी, पल्लकोंडा, वेनुकोंडा, मल नल्लमल्ला, नॉर्दर्न सरकार्स, ये तो उड़ीसा पहुंच गए, नयागढ़, गड़याट हिल्स, ये तो झारखंड झारखंड के आसपास पहुंच गया, उड़ीसा हिल्स, गड़याट हिल, गड़याट हिल देखते हैं कहाँ पे है। मेरे हिसाब से झारखंड और लेकिन निकला उड़ीसा, उत्कल प्लेन्स, छोटा नागपुर, झारखंड, वही झारखंड उड़ीसा, गड़जाट हिल्स, मयूरभंज, मलकानगिरी वाला ही गड़जाट हिल्स कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिकार्ड टू द विंटर सोलस्टिस इज करेक्ट? दिसंबर, सी द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस विंटर सोलस्टिस पे, साउथ पोल एक्सपीरियंसेस 24 आवर्स ऑफ लाइटनेस होना चाहिए, जून 21 को तो नहीं होता, दिसंबर को होता है, सन एपेहेलियन, सन इस समय एपेहेलियन पे तो नहीं होता, तो सही ऑप्शन सी है। फैक्ट दैट प्लैनेट मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कुलर बट एलिप्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय केपलर, जोहान्स केपलर। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार, सन इसमें है नहीं, सन के बाद कौन है, प्रोक्सिमा सेंटुअरी, प्रोक्सिमा का मतलब ये अप्रोक्सीमेट, नियरेस्ट एक रेड ड्वार्फ है, लोमास स्टार है और 1.3 पार्सेक डिस्टेंस पे, सेंटारुस कंस्टेलेशन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज लीस्ट मास, मरकरी का मास सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक, नाइस, क्वार्जाइट, कंग्लोमेरेट, सिस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक, विच नॉट ए मेटामॉर्फिक रॉक, देखो क्वार्टजाइट तो है, क्वार्ट से बनता है, सिस्ट भी मेटामॉर्फिक है, नाइस भी मेटामॉर्फिक है, कंग्लोमरेट कोई रॉक नहीं होती, कंग्लोमरेट का मतलब होता है कंग्लोमरेशन ऑफ मेनी रॉक्स, तो ये मुझे मेटामॉर्फिक नहीं लग रही, ये सेडिमेंट्री लग रही है, कंग्लोमरेट इज नॉट ए मेटामॉर्फिक, कंग्लोमरेट इंडिविजुअल क्लास का एक क्लस्टर टाइप है विद इन ए फाइनर ग्रेड मैट्रिक्स दैट हैव बिकम सीमेंटेड टुगेदर, कंग्लोमरेट्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स, राउंडर फ्रेगमेंट अदर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ब्रेसेस भी कंग्लोम, मतलब कंग्लोमेरेट सेडिमेंट्री है, बाकी सब मेटामॉर्फिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, अरावली, एंडिस, कोकेकस, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लॉक माउंटेन पहली बात है होता क्या है, ब्लॉक माउंटेन इज अ माउंटेन फॉर्म्ड बाय नेचुरल फॉल्ट इन अर्थ क्रस्ट, फॉल्ट ब्लॉक, इनके मैप देखा जाए कहाँ कहाँ पे मिलते हैं जहां पे अर्थ के फॉल्ट से ब्लॉक माउंटेन आया है, रिफ्ट वैलीज में मिलते हैं ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय है, रॉकी और एंडीज है, वो फोल्ड है क्योंकि वो तो मुझे लग रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स में दो प्लेट के कन्वर्जेंस कन्वर्जिंग बाउंड्री पे बनते हैं, एंडीज कन्वर्जिंग है, काकेशस कन्वर्जिंग है, एंडिस कन्वर्जिंग है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट का, काकेशस कन्वर्जिंग है दो कॉन्टिनेंटल प्लेट का,
अरावली काहे का कन्वर्जेंस है? अरावली किसी का कन्वर्जेंस नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट देखना पड़ेगा, अभी देखता हूँ मैं। पहले रॉकी एंडिस तो हो गए, निपट गए। फोल्ड है, फोल्ड माउंटेन, माउंटेन का एक टाइप है फोल्ड माउंटेन। कन्वर्जेंट पिट बाउंड्री पे बनते हैं। कंप्रेशनल फोर्स, दिस इज नोन एज फोल्डिंग। माउंटेन्स खोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। लैंड फॉर्म माउंटेन्स, अलग अलग टाइप के माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन जैसे कि रॉकी एंडिस, हिमालया, हिमालयन एल्पाइड बेल्ट जिसको बोलते हैं, ये सब कॉन्टिनेंटल। एंडिस तो ओशियानिक है, बाकी ये जो है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से बने हैं। अप फोल्ड जो होता है उसे एंटीक्लाइन कहते हैं, डाउन फोल्ड को सिंक्लाइन कहते हैं। अच्छा, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन इसी में ही फोल्ड माउंटेन का ही टर्मिनोलॉजी। फोल्ड माउंटेन ये बनी है पूरी, फोल्ड माउंटेन की बेल्ट। हिमालयाज हैं इसमें, और पूरी एल्पाइड बेल्ट है, एल्पाइड काकेकस बेल्ट, एल्प्स, जागोरोज, कार्पेथियन, सब आ जाएगा। पूरी एक लगातार बेल्ट है यूरोप और एशिया की बाउंड्री पे। फोल्ड माउंटेन्स कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ये है पूरा फोल्ड माउंटेन्स। पूरी दुनिया में देख लो, फोल्ड माउंटेन्स बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, दो ही पॉइंट है, एक यूरोप और एशिया के कन्वर्जेंस पे है, और एक इधर ओशन, और इधर ओशियानिक प्लेट जो इधर अमेरिका के, इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में मिल रही है, तो यहाँ पे भी फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की बाउंड्री पे। अच्छा, यहाँ क्या हुआ है? व्हाट कुड हैव हैपेंड देयर? यहाँ पे फोल्डिंग हुई है, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे रिफ्ट वैली है, और रिफ्ट वैली के साथ आते हैं ब्लॉक माउंटेन। रिफ्ट वैली के साथ वो कन्वर्जेंस था, रिफ्ट वैली के साथ आते हैं ब्लॉक माउंटेन। रिफ्ट वैलीज एंड ब्लॉक माउंटेन्स फाउंड होते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे। अच्छा, रिफ्ट वैली जहाँ पे ब्लॉक माउंटेन, जैसे रिफ्ट वैली मुझे बताओ कहाँ पे? रिफ्ट वैली मुझे याद है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, और वहाँ पे अफ्रीका का सबसे बड़ा माउंट किलिमंजारो मिलता है, तो और वहाँ पे लेक मिलती है, लेक विक्टोरिया, सब ब्लॉक माउंटेन है क्या? रिफ्ट वैली। अच्छा, और जो ओशियानिक ओशियानिक डाइवर्जेंस का जैसे मिड अटलांटिक रेंज है वो ब्लॉक माउंटेन है क्या? देखना पड़ेगा, बट ये तो सही है कि रिफ्ट वैली ब्लॉक माउंटेन फॉल्ट से मिलती है, फ्रैक्चर फॉल्टिंग। रिफ्ट वैली से वैली विद स्टीप साइड फॉर्म अलोंग द फॉल्ट लाइन, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, मैं बोल रहा था यही होना था। तो जहां रिफ्ट वैली होगी वहां पे फॉल्ट होगा, जहां कन्वर्जेंट है वहां पे फोल्ड। ए ब्लॉक माउंटेन इज ए ब्लॉक ऑफ लैंड विद स्टीप साइड्स। इट इज फॉर्म्ड व्हेन सेक्शन ऑफ द क्रस्ट एक्सटेंड अलोंग फॉल्ट लाइंस इन रॉक मासेस सराउंडिंग ए सेंट्रल ब्लॉक लाइन ड्यू टू टेंशन फोर्स। साफ साफ दिखाई दे रहा है रिफ्ट वैली नीचे चली गई तो ब्लॉक माउंटेन अपने आप ऊपर उठा है ब्लॉक की तरह। तो ये डिफरेंस ये है कि ये कन्वर्जेंट बाउंड्री है ही नहीं, ये रिफ्ट वैली है। ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली में डिफरेंस है ना। डाइवर्जेंट बाउंड्री पे है वो, कन्वर्जेंट बाउंड्री पे था।
रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स के ये एग्जाम्पल हैं। आज पहली बार तो मुझे ब्लॉक माउंटेन्स का पैटर्न पता चल पाएगा पूरे वर्ल्ड में क्या है। फोल्ड माउंटेन तो याद था, ये ब्लॉक माउंटेन्स का नहीं याद था। देखते कहाँ कहाँ है, एक तो ये रिफ्ट वैली है, ये वाली रिफ्ट वैली, यहाँ पे माउंट किलिमंजारो होगा, एक अरबिया में रिफ्ट वैली है, एक इधर रिफ्ट वैली है, एक इधर रिफ्ट वैली है, दो ही तीन है, तो ये सब ब्लॉक माउंटेन है। ओके, एक और टाइप का माउंटेन है, ये क्या है, वोल्केनिक माउंटेन। अच्छा, वोल्केनिक माउंटेन, सील्ड वोल्केनो, स्ट्रेटो वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो में लावा गैस नहीं होता, इरप्शन ओनली, नॉट सो मच एक्सप्लोजन। स्ट्रेटो वोल्केनो, सक्सेसिव इरप्शन ऑफ लावा एंड एस, लावा एस, तो अल्टरनेट लेयर्स बन जाती हैं लावा और पायरोक्रस्टिक फ्लूइड की। स्टेटो वोल्केनो, स्टेटो वोल्केनो कहाँ मिलेंगे, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्टेटो वोल्केनो है। रिक्टर स्केल की भी क्या जरूरत है, अर्थक्वेक जोन, मिड अटलांटिक रेंज है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ये अर्थक्वेक की जोन है। आई थिंक ब्लॉक माउंटेन में समझ गया, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे मिलते हैं। ब्लॉक ये तो फोल्ड हो गए, एंडेस, रॉकी, हिमालय, ये सब फोल्ड हैं, फोल्ड माउंटेन के एग्जांपल, रॉकी, एंडेस, हिमालय, एल्प्स, देखिए हिमालय, एल्प्स, काकेकस, एटलस, पेरेनीज, एंडेस, रॉकी, ये सब फोल्ड माउंटेन्स है। यंग फोल्ड माउंटेन मतलब अभी बनना स्टार्ट हुए हैं अर्थ की हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल नहीं मिल रहे यार, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट भी माउंटेनस रीजन है, एप्लासियन सेरा नेवादा। अच्छा, रिफ्ट वैली दे रखी है, सैन एंड्रियास फॉल्ट रिफ्ट, राइन रिफ्ट वैली, राइन रिफ्ट वैली, ब्लैक फॉरेस्ट अगर राइन रिफ्ट वैली में हो, रिफ्ट वैली में तो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, तो ब्लैक फॉरेस्ट आ जाएगा उसका आंसर। बहुत कम मुझे ब्लॉक माउंटेन्स के तो मिल ही नहीं रहे हैं, ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स, बट मैं स्टिल ट्राई कर रहा हूँ ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स। माउंटेन्स के टाइप, फोल्ड, फॉल्ट, वॉल्केनिक, डोम, टाइप ऑफ माउंटेन्स।
ब्लॉक माउंटेन्स, सीरे नेवादा कैलिफोर्निया, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, क्योंकि रिफ्ट वैली में होगा। ये किसी रिफ्ट वैली में होगा, सीरे नेवादा। फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स आर कॉल्ड बाई हॉरिजेंटल टेंशन फोर्स विच क्रॉस क्रैक्स एंड फॉल्ट्स। दीज फॉल्ट्स कैन ब्रेक द क्रस्ट इन टू ब्लॉक्स। व्हेन दीज ब्लॉक्स आर रेस्ड, ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल आर वोस्गेज इन फ्रांस एंड सीरे नेवादा इन कैलिफोर्निया। हॉस्ट एंड गेवन वर्ड इन्हीं के लिए यूज करते हैं। हिमालया फोल्ड है। ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल बहुत कम मिल रहे हैं। सीरे नेवादा के सिवा कोई मिल ही नहीं रहा है। मुझे अभी तक ब्लॉक माउंटेन्स में सीरे नेवादा के सिवा कोई एग्जाम्पल नहीं मिला, लेकिन मुझे लग रहा है कि जर्मनी वाला होगा। नो होप। चलो, मिल नहीं रहा एग्जाम्पल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन? तो एंडिस नहीं है, काकेकस नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो फोल्ड हैं। अरावली किस टाइप का माउंटेन है, ये मैं चेक कर लेता हूँ। अरावली फोल्ड कैसे हो गया? फोल्ड करने के लिए अरावली में है क्या? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन है क्या? अरावली किस टाइप की माउंटेन है? अरावली इज फोल्ड, अरावली भी फोल्ड भाई। अरावली कैसे फोल्ड है? अरावली रेंज डेट बैक्स टू टाइम व्हेन द इंडियन रेंज वाज सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन प्लेट बाय एन ओशन। तो जो प्रोटो नहीं प्रोटी रोजोइक प्रोटीरोजोइक अरावली दिल्ली ओरिजिनिक बेल्ट है। प्रोटीरोजोइक इट इज सिमिलर टू हिमालयन टाइप ओरिजिनिंग मेसोजोइक सिनोजोइक एरा में। और इसमें क्या हुआ था? प्री कैम्ब्रियन इवेंट हुई थी अरावली दिल्ली ओरिजिनिंग। एक इंडियन सील्ड का पार्ट है, पहले बहुत हाई था, फिर वो इरोजन से घटते घटते इन है ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, इंडियन क्रेटोन। ठीक, अरावली तो पक्का हो गया फोल्ड है, तो बचा क्या? अरावली फोल्ड है, एंडिस फोल्ड है, काकेकस फोल्ड है, ब्लैक फॉरेस्ट बचा। ब्लैक फॉरेस्ट जो होगा वो ब्लॉक है। ये तो मुझे लिखना पड़ेगा, मैं तो भूल जाऊंगा। ब्लॉक माउंटेन्स के दो चार तो गिने गिने एग्जाम्पल मिलने हैं। ब्लॉक माउंटेन्स एक एग्जाम्पल मुझे मिला, सियरा नेवादा। दूसरा मुझे मिला ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी मेरे हिसाब से ये राइन फॉल्ट, जहाँ पे रिफ्ट हो, राइन फॉल्ट जोन लिख लेते हैं। मुझे एक कंफर्म करना है कि क्या जो किलिमंजारो है वो फॉल्ट है कि नहीं, मतलब वो ब्लॉक है कि नहीं किलिमंजारो। तंजानिया में इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, जियोलॉजी पे आते हैं। वोल्केनिक है, रिफ्ट वैली है, किलिमंजारो वोल्केनिक है आई थिंक।
तो फिर वॉल्केनिक लिख लेते हैं, वॉल्केनिक में किलिमंजारो, फोल्ड में लिख लेते हैं हिमालया, रॉकी, एल्प्स, एंडिस, फोल्ड हो गए, वॉल्केनिक हो गए, ब्लॉक हो गए, चलो माउंटेन्स का काम हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट। टेलीग्राफ प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ, टेलीग्राफ प्लेटू इज ए पार्ट ऑफ नॉर्थ एटलांटिक रिज। टेलीग्राफ प्लेटू मुझे याद आ रहा है, आया भी था पीसीएस एग्जाम में, टेलीग्राफ प्लेटू नॉर्थ एटलांटिक रिज है कहाँ ये? टेलीग्राफ ही है ना, टेलीग्राफ प्लेटू। क्या बना है यार ये, कोई ढंग का फिगर तक नहीं बना। टेलीग्राफ प्लेटू ओशन, अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा कुछ दिख रहा है, अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में कई सारे प्लेटू हैं, कहाँ तो है ये, पैसिफिक में कहाँ से आ गया, अटलांटिक की बात चल रही है। ये टेलीग्राफ प्लेटू है नॉर्थ अमेरिका के पास, डॉल्फिन प्लेटू है, साफ साफ नहीं है। अटलांटिक ओशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द आर्कटिक ओशन बाई सबमरीन रिज, सबमरीन रिज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ग्रीनलैंड टू स्कॉटलैंड, पार्ट ऑफ द फ्लोर इज नोन एज टेलीग्राफ प्लेटो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ऑफ द केबल्स लेड आउट देयर, टेलीग्राफ की केबल्स लगाई गई थी। इस सैलो सबमरीन रिज अक्रॉस द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स द मेडिटेरियन बेसिन फ्रॉम द अटलांटिक एंड लिमिट द एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द टू बॉडीज। समझ गया, ओशनोग्राफी में डालना पड़ेगा भाई टेलीग्राफ प्लेटो के बारे में। तो ये क्वेश्चन निपटा देते हैं, फिर खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या था क्वेश्चन? टेलीग्राफ प्लेटू इज पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर एसरटेनिंग द ओरिजिन ऑफ रॉक्स? कार्बन डेटिंग करते हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन डिपोजिशन ऑफ लावा इन एंटी क्लाइंस एंड सिल काइंस ऑफ फोल्डेड माउंटेन अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन डिपोजिशन ऑफ लावा इन एंटी क्लाइन एंड सिंक्लाइन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ फैकोलिथ।
फैकोलिथ इज ए प्लूटोन पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन ऑफ फोलिएशन ऑफ फोल्डेड कंट्री रॉक. मोर स्पेसिफिकली इट्स टिपिकली लैंड शेप्ड प्लूटोन दैट ऑक्यूपाइज द क्रेस्ट ऑफ एन एंटीक्लाइन और ट्रू ऑफ द सिंक्लाइन. फैकोलिथ देखना पड़ेगा भाई. फैको लिथ ये बाथोलिथ है, ये डाइक है, स्टॉक लैकोलिथ है, इसमें फैकोलिथ कहाँ है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन. बाथोलिथ नीचे वाला है, ऊपर लेकोलिथ है, फैकोलिथ नहीं दिख रहा. ये बाथोलिथ है, ये है फैकोलिथ. अच्छा, सिंक्लाइन में भी एंटीक्लाइन में भी है फैकोलिथ. बाथोलिथ सबसे बड़ा फीचर है, डाइक वर्टिकल है, सिल हॉरिजॉन्टल है, लैकोलिथ है, सिल हॉरिजॉन्टल है, डाइक वर्टिकल है, सिंडर कोन है, एस प्लूम है, वोल्केनिक फीचर्स में. बैथोलिथ लैकोलिथ क्या, बैथोलिथ लैकोलिथ लैपोलिथ फैकोलिथ सिल सीट डाइक. बैथोलिथ डाइक स्टॉक सिल लैकोलिथ सीट इंट्रूजिव लैंडफॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूजन इन वोल्केनिक रीजन्स. मेरे हिसाब से फैकोलिथ है जो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में भरा हुआ है. तो बात तो इनकी सही है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स है क्या, मैंने कहीं स्टोर किया है. ये है वोल्केनिज्म. देखते हैं वोल्केनिज्म कहाँ है. मिड अटलांटिक रिज और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ये बनाया था बाथोलिथ है, लेकोलिथ है, डाइक भी है, बट फैकोलिथ तो आज तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया था. सिल भी है, फैकोलिथ कभी ध्यान ही नहीं दिया, आज पहली बार फैकोलिथ ध्यान दे रहा हूँ. को तो समझना पड़ेगा. और फिर से मुझे ये फिगर चाहिए हर हालत में. अब समझते हैं. बाथोलिथ जो पूरा भरा हुआ है, बाथोलिथ से ऊपर निकला तो जो हॉरिजॉन्टल है वो सेल है, वो जो वर्टिकल है वो डाइक है. फिर लैकोलिथ वो है जो सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन में भरा हुआ है, नहीं, जो फैकोलिथ है वो लोपोलिथ भी है, सिल भी है, डाइक भी है. लैकोलिथ क्या है, ये सब जो है बड़े माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हैं. और कोई मिल जाए. फैकोलिथ इज प्लूटोन ऑफ इग्नियस रॉक पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन और फोलिएशन ऑफ फोल्डेड कंट्री रॉक दैट अकर द क्रस्ट एंड ट्रू ऑफ द फोल्डेड सेडिमेंटरी स्ट्राटा. अभी फैकोलिथ तो मुझे स्टोर कर लेना चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट टाइप लग रहा है मुझे. फैकोलिथ अच्छा बना तो रखे हैं, सिल लैकोलिथ लोपोलिथ फैकोलिथ.
ओशियानिक रिज। लेकोलिथ, डाइक से लेकोलिथ कनेक्टेड होता है। मैं तो फैकोलिथ कर रहा था, ये है लेपोलिथ। लेकोलिथ काफी सारे हैं। लिथ, लिथ मतलब रॉक। लेकोलिथ, फैकोलिथ। लेकोलिथ में फ्लैट बॉटम, कॉन्वेक्स अपर, डोम शेप। अच्छा, डोम शेप वाले लेकोलिथ हैं। और फैकोलिथ कौन से है? ये अच्छा, ऐसे भरे भरे जो है। समझ गया कुछ कुछ। तो फैक्ट, फिर ये हो गया। When following fissures in the rock, its both parts slide in front and one part slide over the other, the resulting feature is rock में fissure हुआ, टूटी, और दोनों पार्ट एक दूसरे के पैरेलल स्लिप कर गए, तो आई थिंक फॉल्ट है। तो कौन सा फॉल्ट है? लिटरल फॉल्ट, स्टेप फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट। बोथ पार्ट स्लाइड इन फ्रंट एंड वन पार्ट स्लाइड इन अनदर, तो नॉर्मल फॉल्ट तो नहीं है। बोथ पार्ट स्लाइड इन फ्रंट एंड वन पार्ट स्लाइड ओवर द अनदर, रिजल्टिंग फीचर इज कॉल्ड रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट आर एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। इफ द हैंगिंग वॉल राइजेस नीयर टू द फुट वॉल, यू हैव ए रिवर्स फॉल्ट। ये तो समझना पड़ेगा यार, रिवर्स फॉल्ट भी नहीं समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। रिवर्स फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट से कैसे अलग है? दोनों पार्ट कैसे आगे जा सकते हैं? नॉर्मल फॉल्ट एक ऊपर एक नीचे, रिवर्स फॉल्ट भी तो एक नीचे के ऊपर है, एक अप एक डाउन। स्ट्राइक से फॉल्ट पैरेलल है, रिवर्स फॉल्ट अर्थक्वेक आया, ये ऊपर उड़ गया। फुट वॉल, हैंगिंग वॉल, ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया।